हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आखिर कब मरीजों को राहत मिलेगी? डॉक्टर के अभाव में यहाँ उपचार करवाने आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विडंबना यह है कि अस्पताल में पिछले कुछ सालों में कई डॉक्टरों ने नौकरी छोड़कर अपने निजी क्लिनिक खोल लिए हैं। ऐसे में बार बार डॉक्टरों की कमी से आम जनता को जूझना पड़ता है। नए डॉक्टरों की तैनाती करने में सरकार भी काफी देर कर देती है। ऐसे में लोगों को मजबूरन निजी अस्पताल में उपचार करने जाना पड़ता है। इन दिनों अस्पताल में प्रतिदिन औसत से 1000 से 1200 तक ओपीडी होती है। ऐसे में कम डॉक्टरों के चलते तैनात डॉक्टरों को भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार यहाँ डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में हमेशा विफल रहती है। एक तरफ तो सरकार राजस्थान में विकास का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं सिरोही जिले में पिंडवाड़ा तहसील में एकमात्र सार्वजनिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते आम जनता परेशानी का सामना करते हुए निजी अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है। आपको बता दें, पिंडवाड़ा तहसील के एकमात्र बड़े सार्वजनिक अस्पताल में बच्चों का एक भी डॉक्टर अस्पताल में नहीं है। वहीं अस्पताल में मरीजों की सुध लेने वाला एक भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है। गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीज को इलाज के लिए आए परिजनों को डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। अस्पताल परिसर के अंदर ना तो पानी की व्यवस्था है, लोगों को पीने के लिए बड़ी कीमत चुकाकर पानी की बोतल खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। ना तो पानी की सुविधा है और मरीज वैसे ही चिल्लाते रहते हैं पानी के लिए, और पानी की सुविधा कोई नहीं हो रही है, और हम इसलिए बाहर से पानी लाके मरीजों को पिला रहे हैं। ये बिस्लेरी बाहर से लेके आया। कितने पैसे लगे? 20 रुपये। और कोई तकलीफ? और तकलीफ भी है ना, इधर बस खाली घूमते रहो, बस आजू बाजू में कोई जवाब कोई देता नहीं है। जागरूक टीवी के लिए सिरोही से भवानी सिंह की रिपोर्ट।